नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ एक घर से रिहा करवाई गई लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड़की बोली, बंधक बनाकर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा था। बाहर से लोग आकर उसका रेप करते थे। उसके मना करने पर खूब मारपीट होती थी। इस खुलासे के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डॉक्टर ऋचा बुद्धिराजा की ओर से दी शिकायत पुलिस ने केस दर्ज किया है। मेडिकल जांच में किशोरी का यौन शोषण होने की पुष्टि हुई है। काउंसलिंग में उसने बताया कि उसे करीब 6 महीने से यहाँ बंधक बनाकर रखा हुआ था। हर दिन यहाँ पर लोग आते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उसने यह भी बताया कि उसे यहाँ पर समय पर और ताज़ा खाना नहीं दिया जाता था। घर का सारा काम उससे करवाया जाता था। टीम का कहना है कि यह मामला मानव तस्करी की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ममता, उसके पति राजेश और भाई कपूर पर कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी कब से किशोरी का यौन शोषण कर रहे थे या करवा रहे थे, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एक पुलिसकर्मी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आरोपी ममता के यहाँ पर जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम ने रेड की थी तो उसने टीम को बताया था कि यह लड़की एक पुलिसकर्मी ने उन्हें दी है। वहीं पुलिसकर्मी का कहना था कि उन्हें तो बस स्टैंड पर घूमते हुए लड़की मिली थी। ममता ने इसे अपने घर रखने की इच्छा जताई थी तो उसने लड़की उसके हवाले कर दी थी। CWC मेंबर सुरेश पाल ने बताया कि शुक्रवार रात को लड़की को बालकों भेज दिया गया था। वह काफी डरी हुई है। लड़की ने कुछ बातचीत में कई अहम बातें बताई हैं। पूरी जानकारी जुटाने के लिए बालकुंज में काउंसलिंग करवाई जा रही है। मंगलवार को दोबारा लड़की को CWC के सामने पेश करना होगा। काउंसलिंग की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी।